आपके लिए एक सवाल कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एबीसीडी सीखना या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स एबीसीडी सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप नहीं भी सीखोगे तब भी चल जाएगा अगर आप उस फील्ड के नहीं हो तो, क्योंकि बेस पहले मजबूत करना जरूरी है। वैसे ही दूसरा सवाल, क्या डिटेलिंग सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करना एज एन आर्टिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपकी शुरुआत होगी जिसके बेसिस पे ही आप आगे चल के डिटेलिंग या बाकी चीजें कर पाओगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि शुरुआत कैसे करनी है, क्या वो चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे स्केचेस आप करोगे ताकि आपके प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इंप्रूव हो, किस तरीके से मैं स्केचेस करता हूं। अभी मैं कुछ स्केचेस बना भी रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज आई, ये चीजें आपके साथ शेयर करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो, अगर आप आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हो। तो स्कूल में कॉलेजेस में जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें चीजें बताई जाती है कि पहले एबीसीडी पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे सेंटेंस पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होती है चीजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्ट में जब हम जाना चाहते हैं, किसी अलग फील्ड को हम चूज करते हैं, किसी और सेक्टर में हम घुसते हैं, तो वहां पे ये स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं होती है। और ऑनलाइन जो हम चीजें देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें पे काम हो रही है, बहुत ज्यादा हाइपर रियलिज्म पे काम हो रहा है, तो हम उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता कि शुरुआत किससे करनी चाहिए, शुरुआत में क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं और बाद में हमारी इतनी ज्यादा मिस्टेक होने लगती है कि हम अपना बेस ही छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हमारा जो अगर बेस मजबूत नहीं है तो हम आगे चल के उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते। हे एवरीवन, माय सेल्फ रियांश राहुल, एंड आज की इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। प्रोपोर्शन इंप्रूव करने के लिए किस तरीके से हमें स्केच करना चाहिए, कैसे हमें स्केच करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, और एंड तक इस लेसन को जरूर देखना। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं शेयर करने वाला हूं, किस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स ने इस जो चीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अपने स्किल को डेवलप किया, उनके भी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उनके वर्क्स के एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है। सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा होता है, जो डिटेल वर्क दिख रहे हैं, उसके पीछे जो मेहनत चल रही होती है, उसके पीछे जो लर्निंग चल रही होती है, वो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे जब आप स्टूडेंट्स के वर्क भी देखोगे जो मैं एंड में शेयर करूँगा। साथ ही साथ कुछ सवाल भी मैं इस लेसन में पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट में देना है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, एंड तक जरूर देखना, ताकि आप डीपली सारी इंफॉर्मेशन ले पाओ बिना कोई इंफॉर्मेशन को मिस किए। तो इसी के साथ अब ये लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे मैंने पहले पेंसिल ली है मैंने यहाँ पे, और ये 8 लाइन की पेंसिल है, 8B 10B कुछ भी आप ले सकते हो, क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो कोई भी पेंसिल आप ले लो। इस तरीके से छीलना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लंबी लीड चाहिए ताकि आप ओवरहैंड ग्रिप में ड्रॉ कर सको। अब ओवरहैंड ट्राइपॉड ग्रिप ये क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं एक सैंड पेपर लेके इस पेंसिल को यहाँ पे थोड़ा शार्प कर ले रहा हूँ, ताकि ये लंबी जो लीड हमने बनाई है इसको हम थोड़ी सी नोकीली बना लें। अब एक रेफरेंस इमेज मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, एक इसको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अब पूरे माइंडसेट को समझो कि किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सिर्फ मैं दो चीज़ों का ध्यान रखूँगा। कौन सी दो चीज़? एक कि लाइंस हमें स्ट्रेट रखनी है, मतलब सीधी लकीर रखनी, सीधी लाइन खींचनी है, कर्व नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं। प्लस मैं एंगल्स देख रहा हूँ कि वो लाइन जो हम खींच रहे हैं उसकी एंगल क्या है। एंगल को चेक करने का, गैस करने का एक और तरीका होता है, एक मतलब खुद का एक स्ट्रेटेजी होता है, कि जैसे घड़ी में 12 बजे तो हमने समझ लिया कि सीधी लाइन है, 1 बजा है तो थोड़ा सा इधर का एंगल है, 2 बजा है, तो ऐसा हम गैस भी कर सकते हैं। तो मान के चलो कि ये जो इसके हाथ हैं, लड़के के जो हाथ हैं, मान लो ये घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो ये उस तरफ के एंगल में है, इस तरीके के इस तरफ जो हाथ है वो 11 की तरफ में है, 11 में है कि 10 में है, ये हम ये बस इस तरीके के कुछ कुछ अपने आप से आप कुछ सोच सकते हो, ताकि आपके एंगल को बनाते समय आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता रहे। तो ये कुछ क्रिएटिव तरीके हैं गैस करने के एंगल्स को। बेसिकली जो हमारा मेन फोकस है कि हम जितनी भी लाइंस हमें दिख रही हैं उसको हम स्ट्रेट रखनी है और उसके एंगल्स को देखने हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं एक लड़के की ड्राइंग बना रहा हूँ, या फिर यहाँ पे एक लड़की जो मैं अभी बना रहा हूँ, मैं कोई लड़की को बना रहा हूँ जिसके बहुत सारे बाल हैं, डिज़ाइंस हैं हाथ में, इतने सारे डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए मेरा फोकस है कि सिर्फ ओवरऑल जो बाहरी शेप है
उसको हम कैसे सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप ये एक्सरसाइज को डेली बेसिस में करोगे, अलग अलग इमेजेस को लोगे और उनको इस तरीके से सिंपल वे में उनकी जो बाहरी आउटलाइन है उनको जितना सिंपल कर सकते हो करोगे, उससे ही आपकी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इम्प्रूव होगी। लाइंस को स्ट्रेट रखने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारा जो माइंड है वो कर्व को जल्दी से उसकी जो साइज है उसको गैस नहीं कर पाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस को हम जल्दी गैस कर पाते हैं और पूरा आर्ट का जो खेल है, मतलब जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसमें सारा खेल गैसिंग का है कि हम अपने गैस वर्क को कैसे इम्प्रूव करते हैं। और इसी से ही हमारी फ्री हैंड आर्टवर्क बनाने की जो एबिलिटी वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे, कोई ग्रिड्स नहीं बना रहे हैं, हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। और फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए हमें इम्प्रूव करना होता है हमारा गैस वर्क, और गैस वर्क जितना अच्छा होगा, हम जितने अच्छे से गैस कर पाएंगे कि लाइन कितनी लंबी है कितनी छोटी है, उतना ज़्यादा हम ड्रॉ सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे गैसिंग मेन रोल में आती है। और वो कैसे इंप्रूव होती है, जब हम कर्व नहीं ऐड करते हैं, स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे कर्व आगे के स्टेज में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और पोर्ट्रेट लिया है, इसको भी आप देखो कि किस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ऊपर का स्ट्रेट लाइन लिया, ये जहाँ पे इसका माथा है, इसका जो फोरहेड है, इसमें यहाँ पे ये एंगल है, एक एंगल इस तरफ से, यहाँ से एक एंगल ले लिया। ठीक है, इमेज को देखो और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको देखो और समझने का कोशिश करो कि दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। आप खुद सोचो एक बार उस तरीके से। ठीक है, सिंपल वे में कोई भी चीज़ आप बना सकते हो जब आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करना सीख जाते हो। एक आर्टिस्ट वो नहीं है जो डिटेल्स देखता है, डिटेल्स तो हर कोई देख सकता है, एक आर्टिस्ट वो है जो डिटेल से डिटेल चीज़ को भी सिंपल कर पाता है। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम इसकी डिटेल्स में खो जाएं, हमारा काम यह है कि इसको हम कैसे सिंपल नज़रों से देखें और उस सिंपल नज़रों को हम अपने पेपर में उतार पाएं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इस इमेज में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे कहाँ पे लाइंस हैं, कितनी बड़ी लाइंस हैं और उस लाइंस की एंगल्स क्या हैं। ओके, और जिस ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, भले ही वो ह्यूमन फिगर हो या फिर फेस हो, पोर्ट्रेट हो या फिर कोई लैंडस्केप हो या फिर मोर देन वन फिगर हो, ओके, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आगे वीडियो में, इसलिए इसको ध्यान से देखते रहो, वीडियो को स्किप करके मत देखना। मैंने ऑलरेडी थोड़ा फास्ट रखा हुआ है ताकि आप जल्दी जल्दी समझ पाएँ, लेकिन मेन है कि आप इसको देखें, बार बार देखें इस लेसन को और साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो और आप समझ रहे हो इन चीज़ों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार लिखना इन सब चीज़ों को, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप क्लियर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। एंड एटलीस्ट दिन में आपको 10 से 20 इस तरीके के स्केचेस करने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 10 स्केचेस। इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 40 मिनट्स लगेंगे। तो डेली जब आप इस तरीके के टाइम निकाल के इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी प्रोपोर्शन एबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होती है। मान लो एक बतक है, ठीक है, ये बतक मैंने बना रहा हूँ रफली, इसमें बहुत सारे कर्व हैं, तो यहाँ पे इसको जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो इसकी प्रोपोर्शन को, इसकी लंबाई को समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। वन मोर थिंग, जो भी इमेजेस मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप चाहो तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, और जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको खुद इमेज को डाउनलोड करके आप साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस जो मटेरियल वगैरह है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक चीज़ मुझे बताना कॉमेंट में प्लीज़, ताकि मैं उसके ऊपर सोच पाऊँ कि क्या आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी डिटेल वीडियो बनाऊं जहां पे मैं ये बताऊं कि रेफरेंस इमेज आपको कहां कहां से आप ले सकते हो, खुद भी कैसे खींच सकते हो, कैसे आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हो, ताकि अगर आप खुद भी यूट्यूब चैनल बना रहे हो या फिर खुद भी ऑनलाइन अगर आप कॉन्टेंट बना के डालते हो तो ऐसे इमेजेस आप कहां से ले सको ताकि कॉपीराइट फ्री वो रहे, कोई क्लेम ना आए। तो इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बताना आपके कॉमेंट को पढ़ने के बाद, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ कि इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो या नहीं। तो प्लीज़ मुझे इस बारे में कॉमेंट करना। अब कंटिन्यू करते हैं लेसन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक और इमेज ली है, यहाँ पे तीन चेहरे हैं, तीन फीमेल्स खड़ी हैं और तीनों के चेहरों के एंगल्स भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के इमेज में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि चीज़ें कहाँ पे आएंगी,
क्योंकि वो एक चेहरा बनाते हैं उसमें डिटेल ऐड करना शुरू कर देते हैं और बाकी चेहरे के एंगल बिगड़ जाते हैं या फिर कोई चेहरे के लिए जगह ही नहीं बचता तो बहुत कुछ बिगड़ने लग जाता है। तो इसलिए एक बार ध्यान से देखो कि मैंने पहले चेहरे का जो मिडिल फेस है उसको ड्रॉ किया, उसके लाइंस बनाए। अब मैं साइड के चेहरे को भी सिंपल लाइंस में पहले ब्लॉक कर रहा हूँ कि वो कहाँ तक आएगा और उसकी एंगल्स क्या हैं। सिर्फ मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लाइंस को कि कौन कौन से लाइंस हम बना सकते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइंस, और कहाँ पे हम उसको किस एंगल्स में बना सकते हैं। तो मैं बस उसको देख रहा हूँ और उसको अपनी अपनी जगह में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एक बार सबको अपनी अपनी जगह मिल जाए, सबको अपना अपना प्लेस मिल जाए। उसके बाद फिर हम चाहें तो धीरे 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 डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और डिटेल्स ऐड करने के बाद भी चीज़ें अपनी अपनी जगह में आएगी। आँख, नाक, मुंह जो फेसियल फीचर है वो कहाँ पे बनेंगे उसके लिए मैंने सिंपल प्लस बना दिया, ठीक है। तो सिंपल प्लस बना के हमें छोड़ देना है ताकि हम आगे उसमें ऐड कर सकें। यहाँ पे भी मैं सिंपल लाइन और एक आँखों के लिए ये वाली लाइन, नाक के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइन, बस ये एंगल्स बना के हमें छोड़ देने ताकि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाए। उसके बाद हो सकते हैं आँखें थोड़ी ऊपर बने, हो सकता है नाक थोड़ा ऊपर बने, वो चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं अगर ओवरऑल जो हमारा सीन है, ओवरऑल जो हमारा पिक्चर है वो हम सही जगह पे पहले ड्रॉ कर ले। तो सारा खेल यहाँ पे प्लेसमेंट का है कि चीज़ें कहीं सही जगह पे होनी चाहिए और सही एंगल, सही प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें जब आप बना रहे हो तो आप सिंप्लीफाई करना सीख रहे हो किसी भी इमेज को, किसी भी जब ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो ये आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से देखने में, सिंप्लीफाइड वे में देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले लूँ, दुनिया की कोई भी इमेज ले लूँ, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा कि कैसे इस इमेज को सिंपल बनाया जाए और सिंपल इन इमेजेस को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके अपनी जगह में, इसको अपने पेपर में जगह दी जाए। क्योंकि यहाँ पे हमने एक पेपर लिया है, हमारे पास एक बाउंड्री निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि हम बनाते जाएंगे कहीं भी और वो अपने आप चीज़ें सही सेट हो जाएंगी। हमारे लिए एक बाउंड्री निर्धारित है, एक पेपर में बना रहे हैं, कैनवस में बना रहे हैं, हमारी बाउंड्री सेट है। और जब हम कोई इमेज लेते हैं तो वो कहाँ पे बनेगी ये तभी सही होता है जब हम उसको शुरू से ही उसके एंगल्स वगैरह को सही तरीके से जज करते हैं और सही जगह पे बना लेते हैं। उसके बाद ही जब आप डिटेल्स ऐड करते हो तो वो सही लगता है और उसको करने में मज़ा भी ज़्यादा आता है क्योंकि आपको पता रहता है कि अब आप बाकी के आगे के स्टेजेस में फोकस कर सकते हो बिना पीछे के स्टेजेस के बारे में चिंता किए बगैर। वरना क्या होगा, अगर आपके प्रोपोर्शन बिगड़ चुके हैं और चीज़ें सही जगह पे नहीं हैं तो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और जितनी डिटेल्स ऐड करते जाओगे चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी और उसको ठीक करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए इस तरीके के स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करके स्केचेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका बेसिक लेवल पे प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इंप्रूव। एक और इमेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर एक चीज़ मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक इस लेसन को देख रहे हो तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत लोग लंबी वीडियो को लंबे लेसन को स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से उनको आधी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एक चीज़ और मुझे बताना कि क्या आपको अभी आपने ऑलरेडी 3 इमेजेस को मुझे ड्रॉ करते हुए देखा तो क्या आपको अभी ऑटोमेटिकली इस इमेज में सिंप्लीफाइड लाइंस दिख रही, क्या आप अभी से ही थोड़ा बहुत सीखने लगे हो इस वीडियो को देखते देखते? तो ये भी मुझे कौन बताना। तो आप खुद सोच सकते हो जब आप एक छोटे से लेसन को देख के इतना कुछ सीख सकते हो तो जब आप उसको बार बार करोगे, समझोगे, डिटेल में सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ सालों में क्या आप मास्टर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो। बस लोग क्या करते हैं कि वो गलत चीज़ें सीखने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करना। डिटेलिंग सीखना गलत नहीं है लेकिन शुरू से ही डिटेलिंग सीखना गलत है। जैसे कि कविताएं लिखना गलत नहीं है लेकिन कोई बच्चा अगर ABCD सीखे बिना पोएम्स लिखने का ट्राई करे तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा और वो उसमें अपना टाइम वेस्ट करता रह जाएगा। तो इसलिए जब आपका ये सारे बेस मजबूत हो जाते हैं ना तो इसके दम पे आप जितनी डिटेलिंग्स दे सकते हो और वो सारी चीज़ें सही भी लगती हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहते हो। उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी पेशेंस के हिसाब से जितना चाहे डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, फिर आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हो। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करने से, अपने गेस वर्क को इम्प्रूव करने से, अपने कॉम्पोजिशन के लेवल पर अपने आप को स्ट्रांग करने से।
तो अभी आप देख रहे हो कि जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइंस में पहले रफली बनाया, उसके बाद यहाँ पे मैं चाहूँ तो कितने भी कर्व जो दिए हुए हैं जिस तरीके से रिफरेंस इमेज में दिए हैं, मैं कर्व वगैरह ऐड करके छोटी छोटी बारीकियाँ ऐड करके उसको और ज़्यादा डिटेलिंग्स उसमें ऐड कर सकता हूँ, ताकि हम जैसा रिजल्ट चाहें हम बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था अपने डेली बेसिस में जो आप स्केचिंग करते हो उसके प्रपोर्शन को इम्प्रूव करने का। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में स्टूडेंट्स के भी वर्क बताऊंगा, मेरी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक मैं ट्रेनिंग चलाता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स डीपली चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपके साथ मैंने ये सिंपल सी चीज़ शेयर की जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी डेली लाइफ में प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे ही आर्ट में बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज़ होती हैं जहाँ पे क्लासिकल लेसन्स होते हैं शेडिंग्स के ऊपर, कैसे लाइव ड्राइंग की जाती है, कैसे स्टील लाइफ को सेटअप किया जाता है, कैसे फिगर ड्राइंग की जाती है, कैसे प्रपोर्शन जज किया जाता है हेड ड्राइंग करते वक्त, कैसे डेली एक्सरसाइजेस की जाती हैं, डेली आई ट्रेनिंग कैसे की जाती है ताकि आप अपनी गलतियों को खोजने में सक्षम बने। इस ट्रेनिंग के अंदर जो जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे वो एक दूसरे के काम को देख पाते हैं और डेली वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको शेयर भी कर पाते हैं, ताकि वो अपनी गलतियाँ पूछ सकें डेली बेसिस पे, ताकि वो दूसरों के काम को देख के भी उनको समझ में आया कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी ट्रेनिंग चलती है और इसका अगर आपको पार्ट बनना है तो कैसे ज्वाइन करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स अपने काम शेयर करते हैं और उनमें से कुछ काम जो स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं डेली अपने काम को शेयर कर रहे हैं, उनमें से कुछ इमेजेस कुछ पोस्ट मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, इसको भी ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी।